मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ चेक करता है, हेडलाइट हो, हॉर्न हो, या फिर अभी तो रिसोल वाला टायर भी चेक कर रहा है ना, और अपना रिसोल टायर है तो क्या होगा अभी? अकेले जब गाड़ी पूरे पोजिशन पर रहता है, सब चीज़ घर परिवार भी देखना, अरे किस्ती भी भरना, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। दोस्तों मेरा तरी बन चुका है, ये देखिए अब डबकने वाला, तब तक हम इसमें डाल देते हैं अपना मछली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज तो मेरा गाड़ी क्रॉसिंग हो रहा है, पीछे देख सकते हैं टेलर आज आया है खाली करके, तो रात में आ गया था टेलर, अभी क्रॉसिंग हो रहा है, हो सकता है हम चले जाएंगे वहाँ पे इस कंपनी में। दोस्तों आप लोग भी जानते हैं टाटा मोटर का माल है मेरा, ये माल तो टाटा मोटर में ही खाली होता है, तो जा रहे वहीं पर। इसको पूरा माल उतर जाएगा ऊपर वाला, तो नीचे वाला माल हम ही लेके जाना पड़ता है, ऊपर का माल तो टेलर में जाता है, कंपनी में अलाउ नहीं है क्रॉसिंग का, और ऊपर में का माल जो लोग नहीं करता है, बोलता है सेफ्टी के लिए के, तो हम लोग को बाहर करके जाना पड़ता है। ये देखिए अभी कर रहे हैं हम लोग, दोस्तों अभी तो हमारे गाड़ी का जितना भी पानी था दोनों बाल्टी खाली हो गया, तो अभी पानी लाने जाना पड़ेगा। तो इधर साइड भी है दोस्तों, लेकिन वहाँ मंदिर है, तो मंदिर के पास कभी कभी टाइमिंग से पानी आता है, तो कल हम लोग इधर साइड गए हुए थे तो एक और नल दिखा है, तो जा रहे हैं वहाँ से पानी लेके आते हैं। दोस्तों ये रहा नल, मिल गया, ये छोटा सा मतलब बस्ती है, हमारा ट्रक इधर ही रास्ते में आगे जाके खड़ा है, तो मिल गया यहाँ, मतलब वो मंदिर से तो थोड़ा नज़दीक ही पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों अभी पानी भरते हैं। दोस्तों अभी सुबह का 10 बजे है और माल अपना क्रॉसिंग हो चुका, अब जाना है 11 बजे एंट्री खुलेगा, 11:30 बजे तो उसी में जाएंगे, क्योंकि अभी जमशेदपुर में जहाँ तहाँ चेकिंग भी लगा हुआ है। पहले क्या था कि चल जाते थे इधर से एंट्री नहीं है, फिर भी मोटरसाइकिल लोग का चेकिंग है तो उसमें काहे के लिए परेशान होना है, तो एंट्री जो समय है 11 बजे उसी में निकलेंगे यहाँ से। तब तक खाना सोच रहे बना ले, सब्ज़ी भी थाई गाड़ी में क्योंकि ख़राब ना हो। देखिए गोभी है, मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, आलू भी है, ये सब रखे हैं काट के, तो समय है अपने पास, बना ले रहे हैं। दोस्तों मेरा सब्जी बन गया है, ये भी माल रेडी हो गया, मेरा टाइम भी हो गया है, नॉन ट्रिक खुल गया है, अब निकलते हैं यहाँ से, तो ये सब हटा के रख लेते हैं फिर निकलते हैं। अब वहाँ जाने के बाद देखते हैं गाड़ी अंदर आज हो रहा है क्या हो रहा है, वहाँ जाने के बाद ही मालूम चलेगा हमारा। दोस्तों नॉन ट्रिक तो खुल गया, निकल गए यहाँ से, तो जा रहे वहाँ ऊपर पार्किंग में जहाँ मेन गेट है, जहाँ से गाड़ी अंदर होता है। अभी दोस्तों क्या ना कि वहाँ जाने के बाद क्लियर होगा कि मेरा गाड़ी अंदर होगा कि नहीं होगा, तो टेलर भी जा रहा है और टेलर लोकल है, तो पहले उसकी का करता है, उसका जल्दी भी हो जाता है, उसका साइड से फोरक्लिप वाला कर देता है, मेरा तो ऊपर वाला किरान लगता है तो टाइम लगता है उसमें। तो दोस्तों अगर आज खाली नहीं भी होता है तो वहाँ पर हमको सुविधा है पानी वगैरह का, शौचालय का, ये देखिए टेलर यहाँ खड़ा है, जाएँगे साथ में, अभी देखते हैं इनका ड्राइवर साहब कहाँ गए हैं। अब वो टेलर यहाँ पर खड़ा था लोड करके, तो उसको पेपर देते हैं इधर रास्ते का पेपर, इसमें हाँ ये दोस्तों ये रास्ता का बात है ना, थोड़ा अभी चेकिंग वेकिंग भी होता होगा तो माल पूछेगा कहाँ का है, किसका है, बिना कागज़ के गाड़ी जा रहा है, तो एक पेपर देते हैं उसको, उसके पास रहेगा। देखिए दोस्तों ये चेकिंग लगा हुआ आगे गोविंदपुर मोड़, बाइक वगैरह का हेलमेट वगैरह चेक करता है, सिपाही जी खड़े हैं। दोस्तों ऊपर पार्किंग में तो आ गए हैं अभी हम, तो यहाँ पर क्या ना कि गाड़ी ऊपर में लेके आ गए हैं, तो देखते हैं हम कब तक खाली कराएगा वो, और खाली कराने के बाद में टेलर जो साथ में था उसका तो हो गया खाली, मतलब हो गया क्या, अंदर गया है वो, और हमारा जो खाली कराता है वो दो किस्म की बात बोल के गया है कि रात में भी गाड़ी 2-3 बजे भी घुस सकता है और नहीं भी घुस सकता है, अगर 2-3 बजे गाड़ी घुसाएगा तो रात में अंदर रुकना पड़ जाएगा, तो कल खाली करेगा, अब देखते हैं कब अंदर लेता है वो,
ऐसे ऊपर पार्किंग आ गए, यहाँ पर तो सब जुगाड़ है अपना, शौचालय वगैरह सब कुछ है। यहाँ देख लीजिए पास में शौचालय बनाया हुआ है, कितना साफ़ सफाई है यहाँ देख सकते हैं। तो यही सब पार्किंग होना चाहिए कि साफ़ सफाई भी है और सारा जुगाड़ भी ड्राइवर लोग के लिए है। शौचालय सबसे मेन चीज़ है, शौचालय वो होना ज़रूरी है। उससे क्या है कि अंदर झाड़ उड़ में जंगल में नहीं जाएगा ड्राइवर, साफ़ सफाई बना रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, जा रहे भी थोड़ा खाना वाना खाते हैं, उसका तो फिर आराम करेंगे, कब बुलाहट आता है उसका देखते हैं। दोस्तों दोपहर के 12 बज गया, अभी हमारा खाने का टाइम हो गया, खाना तो बना चुके थे, अब चले खाने के लिए। खाना खा कर थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, देखते हैं कब बुलाहट आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों चले खाने। तो दोस्तों जा रहे हैं अभी लेटने के लिए, और यही समय मिलता है तो थोड़ा आप लोग का कमेंट पढ़ लेते हैं। समय यही सब समय हमको मिलता है, आप लोग जितना आप लोग कमेंट भेजते ना सब पढ़ने का मौका मिल जाता है। ठीक है दोस्तों चले लेटने के लिए। दोस्तों अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और हमारे गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो खुल गया था, मतलब छत्तीसगढ़ में ही खुल गया था। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग ये तार से इसको बांध के रखे थे, पर अभी नट ले आया है तो नट लगा ले रहे इसमें। अगर ये अगर नहीं सही रहा, अगर तार भी बांधे हुए रहते तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ चेक करता है, हेडलाइट हो, हॉर्न हो, या फिर अभी तो रिसोल वाला टायर भी चेक कर रहा है ना, और अपना रिसोल टायर है तो क्या होगा अभी? अपना कुछ नहीं होगा, फटा पुराना टायर नहीं होना चाहिए, पंचर नहीं होना चाहिए, टायर में पंचर नहीं होना चाहिए या टायर कम नहीं होना चाहिए, लिफ्ट उठा कर बहुत आदमी जाता है वो नहीं होना चाहिए, सब सिस्टम लागू कर रहा है टाटा कंपनी। चलिए दोस्तों ये भी मतलब काफ़ी अच्छा, अगर सेफ्टी रहेगा तो वो भी अच्छा ही है। तो ये लग गया पूरा। दोस्तों शाम हो गया और गाड़ी तो अंदर गया नहीं खाली होने के लिए, इसी टाइम में खड़े हैं तो चलो थोड़ा सा मूवी वगैरह भी देख लेते हैं, बहुत दिन से मूवी नहीं ले पाया, ये सब भी ज़रूरी है। जैसे नंबर प्लेट ढीला हो गया था वो सब भी कटाया, रास्ता में एक जगह मतलब मोबाइल फिल्टर ढीला हो गया था, थोड़ा सा मोबाइल गिरा है उसमें से, देख लेते हैं कितना कम है अभी। ये बहुत ज़रूरी है, मोबाइल में नापना चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ तक रहना चाहिए था, यहाँ है मतलब, तो ज़्यादा नहीं 1-1.5 लीटर और लेगा मोबाइल। देखेंगे दोस्तों जहाँ मिलेगा मोबाइल, इसका मोबाइल अलग आता है कैस्ट्रोल कंपनी का और W140 वही डालना है इसमें, तो डालेंगे वही, जहाँ मिलेगा लेकर डाल लेंगे। तो आज भी तो गाड़ी खड़ा हुआ नहीं, खड़े हैं कि देखते सुबह कितने में डालता है गाड़ी, फिर त्यौहार आ जाएगा तो ऐसे भी सुनने में आएगा जमशेद तुम्हें नोट लगाने वाला है 14-15 का, ऐसे तो निकल जाना चाहिए। गाड़ी फैटिंग अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नोट्री में फंस सकते हैं। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी भैया के साथ आज़ाद मार्केट आया है, तो आज रात में थोड़ा प्लानिंग हो रहा है कुछ मछली बनाने का, तो पापा भी बोल रहे थे कि आज अभी बना लेते हैं, तो अभी भैया आए थे साथ में तो इन्हीं के साथ में आ गए दोस्तों अभी मार्केट में, तो ठीक है अभी देखते हैं, अगर मिल जाएगा मछली तो काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों अभी शाम का 7:30 बज गया है और सागर गया था मछली लाने के लिए बाज़ार, तो लेके आया है अब उसको जा रहे बनाने के लिए। और अभी रात में बनाने का कारण ये भी है कि 14-15 जानवे का तो त्यौहार है, तो हम तो कल 14 तारीख को अंदर ही रहेंगे फैक्ट्री के अंदर, तो इसीलिए आज हम लोग बना ले रहे हैं और बनाने के बाद यहीं खाऊ के देखते हैं सुबह गाड़ी अंदर जाएगा तो हम के चलो आज मौका है फुर्सत भी है तो बना लेते हैं। फिर अभी हम लोग हो सकता संडे भी मौका ना मिले, नहीं बनाने की मौका मिलेगा क्योंकि लोडिंग वोडिंग में भी रहेंगे और यहाँ हमारे यहाँ नोन्ट्री लगा दिया है, कल दिन में नोन्ट्री नहीं खुलेगा, फिर रात भर नोन्ट्री 11 बजे रात में नोन्ट्री खुलेगा, फिर सुबह फिर लग जाएगा, तो कल फिर संडे को भी दिन भर नोन्ट्री नहीं खुलेगा, एक ही बार मंडे को खुलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि कल मेरा गाड़ी खाली हो जाए और खाली होने के बाद कल रात में ही निकलेंगे, लोडिंग का तो बात हुआ है, अब देखते हैं तब तक माल रुकेगा तो ठीक है, नहीं रुकेगा तो फिर दूसरा माल देखते हैं फिर। तो ठीक है दोस्तों मेरा तेल अभी गर्म हो रहा है अभी, और तेल गर्म होने के बाद बनाते हैं। दोस्तों तेल मेरा गर्म हो चुका है, देख रहे हैं पूरा धुआं दे रहा है, तो चले इसको बनाने के लिए। मछली का मुंडी बड़ा है तो पहले मुंडी को ही डालते हैं क्योंकि ज़्यादा तेल में डूबा रहेगा।
दोस्तों मछली ने इतना पूरा निकाल दिया भूंज करके, अभी दो पीस और बचा हुआ है और ये दो पीस अभी हो जाएगा। और देख रहे हैं बाहर आनंद पूरा कुर्सी में बैठ करके, और साफ़ सफाई यहाँ पर है पार्किंग में, तो साफ़ सफाई है तो उसके कारण बाहर बैठे हुए हैं। दोस्तों मछली तो पूरा भूंज के निकाल लिए हैं, अब चले उसका तरी बनाने। दोस्तों हम लोग का देख ही रहे हैं सब त्यौहार छोटा मोटा जो है ऐसे ही कटता है, तो यही दोस्तों हम लोग का छोटा मोटा त्यौहार जो होता है ये सब, तो ये ऐसे ही हम लोग कट जाता है बाहर में ही, घर जाने की नहीं मिलता है। अब आने वाला है होली मार्च में, अब सोचे हुए तो है कि होली में छुट्टी लेंगे और घर जाने का प्लानिंग है, और उस समय ऐसा होता ना कि हमारे कंपनी में जितना सब हिंदू भाई ड्राइवर है तो सब अगर जाना चाहेगा इकट्ठे तो फिर गाड़ी का बहुत दिक्कत हो जाए, ड्राइवर नहीं मिलेगा उस समय ड्राइवर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भी घर जा रहे हैं, वो कहेगा हमारा भी होली है, थोड़ा समस्या हो जाता है। अगर देखते हैं अगर हमको कोई मिल गया वैसा दोस्त यार कि भाई मेरा गाड़ी चला दो, लेकिन तो ऐसा चला हो सकता है ऐसा, और नहीं हुआ तो कोई ना कोई उपाय लगाएंगे। प्लानिंग है इस बार होली में थोड़ा 10 दिन भी नहीं तो छुट्टी तो मारेंगे ही, कम से कम 10 दिन भी मारें, लेकिन कोई ड्राइवर मिल जाए अच्छा हमको तो उसको दे देंगे अपना दोस्त यार को गाड़ी हम। ठीक है दोस्तों हमारा तरी देखिए सरसों का ही मतलब बनता है, मछली में तो सरसों ही डलता है, तो हम लोग पास सरसों पीसने का जुगाड़ नहीं है तो प्याज का ही तरी हम लोग को बनाना पड़ता है। दोस्तों मेरा प्याज देख सकते हैं पूरा लाल हो चुका है, अब इसी का हमको तरी बनाना है, तो इसमें चले मसाला डाल लें, थोड़े थोड़ा डालते हैं, ये सब्जी मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी और थोड़ा सरसों इसमें भूखा हुआ है। मछली का मेन मसाला सरसों ही होता है, ये देखिए। दोस्तों हमारा खाना बन गया, ये देख रहे हैं तरी, और चले निकालने के लिए। और रात दोस्तों चावल बना है मेरा, उसके कारण है कि मछली में तो चावल ही अच्छा लगता है और समय के ऊपर भी है, मछली में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, उसके कारण जो है रोटी नहीं बनाए। दोस्तों खाना बना 8:30 बज गया और हम लोग चले खाना खाने के लिए, अभी हमारा देखिए खाना निकल चुका है, अच्छा है बाहर बैठ के खा रहे अभी। और दोस्तों एक बात करना चाहेंगे, हमारा एक दोस्त है जो नया गाड़ी लिया था लेकिन किस्ती बहुत बड़ा आ रहा है उसका, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है उसको, बहुत समस्या हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब सिंगल मोटर मालिक हो नया हो, मतलब गाड़ी लाइन से कीजिए, साइड सपोर्टर है तो कोई बात नहीं है, अकेले जब गाड़ी के ऊपर पोजिशन पर रहता है सब चीज़, घर परिवार भी देखना, गाड़ी किस्ती भी भरना, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। उस मेरे दोस्त के साथ थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी, बोला यार हम बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं जो भी नया पहला गाड़ी लेता हो तो सेकंड हैंड पे ही पहले लेना चाहिए, छोटा किस्ती भी आएगा, गाड़ी भी चलता हुआ मिलेगा, तो तुरंत गाड़ी मतलब रोड में चलना शुरू हो जाएगा, तो किस्ती भी छोटा रहेगा, समझ में भी आ जाएगा उसको मार्केट के विषय में कैसा मार्केट किधर चलाना चाहिए, और नया गाड़ी में थोड़ा सा किस्ती तो आता ही ज़्यादा, तो थोड़ा दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे नया ड्राइवर लोग के साथ में जो लोग ले रहे हैं पहले सेकेंड हैंड गाड़ी का ही ट्राई करें, किस्मत साथ दिया तो ऊपर वाला बहुत गाड़ी देगा, अपना चला करके समझ में सब आ जाता है मार्केट, उसके बाद आदमी कर सकता है, फिर बाद में ले सकता है नया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला जिस स्टार्टिंग जो है नया जिसको स्टार्टिंग करना है गाड़ी से तो सेकंड हैंड गाड़ी से ही करना चाहिए, बहुत उसमें मतलब आराम मिलता है, हेल्प मिलता है, ज़्यादा बड़ा किस्ती नहीं आता है। तो ठीक है दोस्तों चले खाना खाने के लिए अभी। दोस्तों खाना अपने अंदर हो गया हमारा, रात के 10 ही बज चुका है, अब चले सोने के लिए, अपना जो खाली कराता है अपना वर्कर है, खाली कराता है अपना ट्रांसपोर्ट का आदमी है, तो आएगा देखते हैं, इंतज़ार करेंगे सुबह कितना बजे आता है, सुबह जल्दी कर देगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है दोस्तों चले सोने के लिए, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।